हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अंडे और ब्रेड से बढ़िया सा चटपटा नाश्ता। इसे बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। तो चलिए इस आसान से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड और अंडे का बढ़िया सा नाश्ता बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं चाहिए, बस चाहिए कुछ ब्रेड के स्लाइसेस और इसी के साथ अंडे। तो यहाँ पर मैं 2 अंडे का यूज़ कर रही हूँ और इसी के साथ हमें चाहिए होगा बिल्कुल थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बोल ले लेंगे और इस बोल में डाल देंगे अंडे जो कि हमने लिए थे। अंडे में से हमें येलो और वाइट दोनों पार्ट्स चाहिए, तो हम इसे फोक की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये दोनों आपस में अच्छी तरह से मिल जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज, स्प्रिंग अनियन और हरी मिर्च। इसी के साथ आप इसमें टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, जो भी सब्जी आप डालना चाहते हो फ्रेंड्स आप डाल सकते हो। जब ये मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो सबसे पहले बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा नमक। वापस इन सभी को मिक्स करना है और जैसे भी ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले एक ब्रेड की स्लाइस। इसे डिप कर देंगे और वापस फोक की मदद से इसे पलट देंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे अनियन और कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन को गरम करने रखा हुआ है और उस पर तेल ग्रीस कर लिया। जैसे ही ये गरम हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे ब्रेड की स्लाइस जो हमने अंडे के बैटर में डिप करके रखी हुई थी। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो ही रखेंगे और साइड से बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालकर 1 मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे। तो बस इसे पलट कर हमें दोनों साइड से अच्छी तरह से इसे पका लेना है। इसे पकाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बिल्कुल 2 से 3 मिनट में ये जल्दी बन के तैयार होता है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो कुछ ही मिनटों में हमारे ब्रेड और अंडे का नाश्ता यहाँ पर बन के तैयार है। बहुत ही बढ़िया दिख रहा है और खाने में उतना ही टेस्टी। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए स्लाइस को भी बना लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो चाहे तो आप इसे ब्रेड अंडे का सैंडविच बोल सकते हो या तो ब्रेड अंडा रोस्ट भी बोल सकते हो, जो बोलना है बोल सकते हो, बट खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगा। और आप इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। इसे बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट तो नहीं लगते हैं। ख़ास तौर पर ये रेसिपी छोटे बच्चों को ज़्यादा पसंद आएगी, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। तो बस ये बढ़िया सी रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक खाते रहो, मस्त रहो, बाय बाय।